कल्याण बिगहा पहुंचे। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याण बिगहा में जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। इस जनसंवाद में अपनी बात को लेकर एक 11 साल का बच्चा सोनू कुमार भी पहुंचा। बच्चे के जनसंवाद में पहुंचते ही मौजूद लोगों में हलचल मच गई, जहां सोनू कुमार ने जनसंवाद में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर कड़वे सच को कहने का साहस दिखाया। छोटे से बच्चे ने सीएम नीतीश कुमार के सामने शिक्षा की बदहाली और शराबबंदी की हकीकत बयान कर दी। सोनू मुख्य रूप से हरनौत प्रखंड के नीमा कौल गांव का निवासी है और छठी क्लास का छात्र है। छात्र के पिता रणविजय यादव दही की दुकान चलाकर घर चलाते हैं। सोनू ने बताया कि इसके पिता दही की दुकान से जो भी कमाते हैं उसका उपयोग शराब पीने में लगा देते हैं। इस दौरान बच्चे ने सीएम नीतीश से शिक्षा की बदहाली और शराबबंदी को असफल बताया। इस दौरान छोटे से बच्चे की हिम्मत को देखकर अधिकारी से लेकर नेता तक दंग रह गए। सर 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 थोड़ा सर थोड़ा कि हमको शिक्षा और हमको भी तो कुछ बनना है, ये नहीं कि जो है सब बड़े बड़े ही आदमी के बेटे डीएम एसपी बनेंगे, हमको भी तो कुछ बनना है। अच्छा, और हमको बनाने के लिए पढ़ाने के लिए सरकार है ही। हम ये जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी किए हैं उतना काम आज तक कोई मुख्यमंत्री जी नहीं किए, लेकिन एक ही गड़बड़ है शिक्षा पर, बस केवल शिक्षा के लिए हम कर कि शिक्षा के लिए खाली जरसाची कर रहे हैं। शिक्षा सही, शिक्षा का स्तर सही है ही नहीं। वो एक मान लिया जाए अगर नालंदा जिला में देखा जाए तो एक स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, बाकी सब में ऐसे ही है। अब हमारे ही प्राथमिक विद्यालय नीमापुर को ले लीजिए तो उसमें उसका नाम दीपक कुमार है, वो सर हैं जो कि कम से कम मान लीजिए 5-6 वर्ष से हैं अभी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो उनको अभी तक इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, गड़बड़ाते हैं इंग्लिश में। मुख्य प्रतिनिधि होने के नाते हम इसका जो सहयोग होगा वो हम करेंगे। सर से वो मिला भी दिए और DDC साहब बुलाए हैं इस बच्चा को लेके उनके ऑफिस में, तो बोले हैं कि आप आइएगा, इसको हम जो उचित जो होगा वो हम कार्रवाई करेंगे।